जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आज से हम आपको लगातार 7 कड़ियों के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न हुए 30-24 तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, महामस्तकाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ के दुर्लभ दृश्य। 30 अप्रैल से 7 मई 2027 तक आयोजित इस महामहोत्सव में भक्तों को आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज ससंग, आचार्य विशद सागर जी महाराज ससंग, आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज ससंग एवं परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी का ससंग पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इतने सारे आचार्य आर्यकाएं एवं त्यागी वृत्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ ये पंच कल्याणक जैन संस्कृति के स्वर्णिम इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गया है और इसमें कोई संशय नहीं है कि ये युगों युगों तक याद किया जाएगा। अयोध्या जैन संस्कृति का वो शाश्वत तीर्थ है जिसकी रचना स्वयं इंद्रों द्वारा की गई है। अनादिकाल से जहां अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है और वर्तमान काल में भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदन नाथ, भगवान सुमतिनाथ तथा भगवान अनंतनाथ ने जन्म लेकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। ऐसी महापुण्यशाली धरा को स्पर्श करना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है और इस पंच कल्याणक में तो हजारों की संख्या में भक्तों ने आकर इस भूमि के दर्शन करे और पंच कल्याणक में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। 30 अप्रैल को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का प्रथम दिन था और प्रातः काल होते ही सर्वप्रथम भगवान का मंगल अभिषेक किया गया। यही जैन संस्कृति भी है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक किया जाए, जिससे सभी का मन निर्मल हो जाए, पावन हो जाए। चंदन कंदली पुष्प के सरस्वती धवल मंगल गिरोपामी स्वाहा पूर्णा सदा किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम रीम त्रीम क्लीम एम अरहम बम बम हम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्क के धवल मंगल गानी रवाकुली जिन ग्रहे जिन नातु मगम के जय। ओम रीम त्रीम जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जैनेन्द्र की दिया एकत्रित हुई क्या चिरोद दीप हुआ पर समी अति मंगली के दस्य अब शेखर के ते लोक मंगल में निसो के पाऊं। ओम रीम त्रीम क्लीम एम अरहम बम बम हम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम त्रीम त्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती पे सुदूप फलार्क के धवल मंगल गानी रवाकुली जिन ग्रहे जिन नातु मगम ये जय। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर्व सिमलाय करके सर्वोचरी मिलि सार कसाय जल से संसार रोग रे तु करु नमन में। ओम रीम त्रीम क्लीम एम अरहम बम बम हम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वोचरी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती सुदूप फलार्क के धवल मंगल गारी रवाकुल जिन ग्रहे जिन नातु मगम ये जय। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य विद कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सु चतुष्टयों को। ओम राम जीम रूम रोम राज यवता नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलर जिला भी देखम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती सुदूप फलार्क के धवल मंगल गाने रवाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ मंगम ये जय। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन तेलोक पुण्य प्र चंदन कोकिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिम विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नादि आप गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम रीम सुमनः सुख प्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती ओ प्रभु आरती करने से सब आरती फलते हैं। प्रभु आरती करने से सब आरती फलते हैं।
जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चल सुदीप सुदूप फलार्ग के धवल मंगल गाने रवा कुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम। अभिषेक उपरांत विश्व शांति की कामना से भगवान की शांति धारा भी की गई। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम राम मम मम सम दम पम जाम जाम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशे नपसेज्यामि नमो स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्ग के धवल मंगल गान रवा कुले जिन करे जिन नाथ महम ये जी। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि इति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व नाशनाय सर्व परकच्छ द्रौपद विनाशाय सब छाम नामर विनाशाय अब्राहम रीम रूम रोम राशि अवत नमः। गणनी आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज सर्वसंगस्य आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज मुनिषी अनुसरण सागर जी महाराज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी सर्वसंगस्य श्री राजकुमार जैन वीरा बिल्डर्स नई दिल्ली सपरवार से श्री प्रमोद कुमार संजय कुमार जैन शेखर कुमार आनंद कुमार जैन धनावत मंगल कलश स्थापनाकर्ता बाराबंकी निवासी सपरवार से श्रीमती सुनीता विजय लोहारिया अहमदाबाद वेदी में आज अखंड स्थापना दीप प्रज्वलन करता सपरवार से भगवान के माता पिता श्रीमती अनीता अनिल कुमार जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरवार से सौधर्मिंदर श्रीमती अर्पिता अध्यात्म जैन सम्यक जैन लखनऊ निवासी सपरवार से यज्ञ नायक श्रीमती अनामका निकुंज जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरवार से द्वितीय यज्ञ नायक श्रीमती शालिनी नीतीश कुमार जैन लखनऊ सपरवार से कुबेर इंद्र श्री विवेक जैन सीवान निवासी सपरवार से ईशान इंद्र श्री सुरेश चंदी जैन सौ शकुंतला जैन लोहाड़े खंडवा निवासी सपरवार से सानत कुमार इंद्र श्री राजीव जैन सी एस डी एस सफदरजगंज नई दिल्ली सपरवार से महेंद्र इंद्र श्री अभय कुमार कन्हैयालाल डोटिया मुंबई निवासी सपरवार से प्रमुख इंद्र श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसु जैन पुनीसूरी जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षित्रि प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री आनंद जैन पुत्रेश्वर की श्री कोमलचंद जैन टिकैत नगर निवासी सपरवार से श्री जिंदाद जैन श्रीमती मंजू जैन डालमिया आशिका जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरवार से श्री आनंद प्रकाश जैन छोरमालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली श्री जितेंद्र कुमार जी छावड़ा वासिम निवासी सपरवार से श्रीमती मनोरमा जैन के पुत्र राहुल जैन पुत्र वधु डॉक्टर मोनिका जैन इंद्र विकासपुर दिल्ली सपरवार से श्री विनोद जैन भारतीय होजरी सोर सीवान निवासी सपरवार से श्री अरिंजय जैन पुत्र वीरेंद्र कुमार जैन इंद्रानगर लखनऊ निवासी सपरवार से श्री अमरचंद जैन टिकैत नगर निवासी सपरवार से श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्री निर्मल जैन सपरवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन रिता जैन अक्षत जैन नन्नीधि जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराप आदि जैन स्मृति जैन अध्यात्म जैन अर्पिता जैन सिद्धार्थ जैन दीप्ति जैन अमृत जैन शिखा जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुपचंद श्रीमती क्षमा जैन श्वेया जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन श्रीमती सुनैना सुभा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बू दीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती सुति अंकु जैन आगरा जी देसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाल्डे सब देवपुरम मांगेतुंगी श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जैन कासलीवाल औरंगाबाद श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़
डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी परिवार से, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रबंधी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानवती, बड़ी मूर्ति, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, श्री अशोक दोषी, सौ इला दोषी, गुलालवाड़ी, मुंबई निवासी परिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजय कुमार पांड्या कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सुनपूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशाद्यानायिका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी, विनोद कुमार सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुना लाल, लक्ष्मी देवी हपावत मुंबई, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, रहमन निक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता तेजी, संतोष कुमार, ज्योति सोमिया, ओजस्वी जैन बंगला, विक्रम बिहार कामरेज हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजु जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशुबिकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता श्यामी जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन पुत्रवरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उपतर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्री अग्रवाल जैन लाडू वाले, श्री प्रकाशन अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार ऋषभ, मनोज ऋषि कुमार सपरवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेन प्रसाद, संजय राजेन, पंकज ऋषभ, अमित अभिषेक, अरिंद पार, महंग धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम, मयूरी ऋषभ, सिद्धेर आदित्य, प्रीति नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी ए पालतो जैन, सुषमा जैन सपरवाल लाजपत नगर नई दिल्ली, डॉक्टर आई एल जैन, प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, मनीष बिंदु, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर राजस्थान, श्री राधे श्याम जैन धर्मपत्नी, श्रीमती सुधा जैन पुत्र प्रशांत, निशा जैन, प्रणीत अग्रवाल आरोग्यता हेतु तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी सपरवार से, श्री पुष्कर जैन, श्रीमती नेहा जैन, पुत्र पलक जैन, पुत्र नक्श जैन, विवेकानंदपुरी आजाद मार्ग सदाव दिल्ली, इन्होंने एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य लिया सपरवार से, सभी शानदारा करने वाले ब्रह्मचारी जय कुमार जैन बैजापुर दीक्षार्थी सपरवार निवासी सपरवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व निग्धादि बंधनभयम सर्व वायुयान दुर्घटना सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना वयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना वयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना वयम सर्व बाष्पधानी विस्फोटक वयम सर्व विषाक्त बाष्प क्षण वयम सर्व विद्युत दुर्घटना वयम सर्व भूकंप दुर्घटना वयम सर्व भूत पिशाच विंद्र डाकि साकिन्यादि वयम सर्व धनानि वयम सर्व व्यापारहानि वयम सर्व राज वयम सर्व चौर वयम सर्व दुष्ट वयम सर्व शत्रु वयम सर्व शोक भयम् सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम् सर्व वैरम् सर्व दुर्भिक्षम् सर्व मनोव्याधिम् सर्व आत्रोध ध्यानम् सर्व दुर्भाग्यम् सर्व आयसः सर्व पापम् सर्व विद्याम् सर्व प्रत्यवायम् सर्व कुमतिम् सर्व भयम् सर्व क्रूर ग्रह भयम् सर्व दुःखम् सर्व अपमृत्युम् ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीदात वीरवधमानामलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वेजिन भक्ता सुखिनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्यानामाद्ये जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे
उत्तर प्रदेश सारस्वती देवदाती क्षेत्र वी संबत 2549 समय मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शुभवसरे विधिमान यम शांत धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासुरगणां चतुर्भिसंगस्य शांतिं करोतु मंगलं तनोत् स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेवरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयाः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वाजिष्ट ग्रहादीन अनुकूलेन कुले कदली घात मलम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु रीम नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकोपरि सान्दारं चतुर्भिस्संगस्य आचार्य श्री विपुल सागर महाराज आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज मुनि श्री अनुसरण सागर जी महाराज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सर्वसंगस्य सर्वशांतिम गुरु गुरु सभी पूजकस्य सर्वशा इंद्र परिवारस्य सर्वशांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम च गुरु गुरु बसत स्वाहा। जय बोलिए शब्द हो भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 30 24 जी के 720 तीर्थंकर भगवान की जय। भगवान शब्द हो के 101 पुत्र मोक्षगामी भरत बाहुबली आदि 101 भगवान की जय। उदक चंदन तंदुलि पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फल अर्घ धवल मंगल गानी रमाकुले जिनगहीन निनाथ महमुझे। ओम रीम त्रिज नेंदाय नमः शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। सुज निर्मल नीलम सुज निर्मल नीरम गंध सुवच्छत पुष्प चरुले मन हरिसा दीप दोप तन अर्घ सुली कर नाचत ताल मृदंग बजत श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर मल मन जाओ मन मत का ओ करुणा निधि भव दुख में टोया ते में पूजो कृपा। ओम रीम 108 विकेत सब देव भगवान सब गिरी मांगो जी की पर्वत पर विराजमान उनके चरणार में सास्वती देवता में विराजमान भगवान सब देव अजित नाथ अभिनंदन नाथ सुमत नाथ अनंत नाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी दृगकारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी शरणा श्री शांति चिनी समुनित सक्रे समृष्ट चक्रे सम चक्रे अनि हरि चक्रे सम हे गुंदे सम दयामृते सम वक्रे सम। शांति धारा होने के बाद गणिनी प्रमुख आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी ने उपस्थित जनसमूह को दिव्य उपदेश दिया। हमारे और आपके लिए सारे भारत के लिए और सारे विश्व के लिए बहुत ही मंगलिक दिवस है। आज भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस द्रमिका नदी के किनारे भगवान महावीर का आज के दिन केवल ज्ञान हुआ है। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री महावीर स्वामिने नमः। भव्यात्मा आप जरा समय एक श्लोक बोलूंगी हिंदी में बोलेंगे 2400 भगवंत है 2400 भगवंत है विश्व शांति अवतार विश्व शांति अवतार प्रतिष्ठा निर्विघ्न हेतु नमो अनंतो वा नमो अनंतो वा भरतादि सिद्ध परमेष्ठी परमेष्ठी गुण अनंत भंडार गुण अनंत भंडार प्रतिष्ठा निर्विघ्न हेतु प्रतिष्ठा निर्विघ्न हेतु नमो अनंतो वा नमो अनंतो वा नमो अनंतो वा नमो अनंतो वा। भगवात्माओं भगवान महावीर ने आज से 2622 वर्ष पूर्व जन्म लिया है कुंडलपुर नगरी में। आज उनका केवल ज्ञान कल्याणक दिवस भगवान महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ माता त्रिशला माता और भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ अषाढ़ शुक्ला षष्ठी को चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जन्म लिया मकसिर कृष्णा दशमी को भगवान ने दीक्षा ली है और आज के दिन वैशाख शुक्ला दशमी के दिन भगवान ने केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त किया है। ऐसा एक कल्याणक दिवस और यहाँ पर विराजमान होने वाले 720 भगवान तीर्थंकर भगवान और भरत आदि 101 पुत्र जो भगवान के मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और चक्रवर्ती भरत साक्षात जो यहाँ विराजमान हो चुके हैं ये सब इस प्रतिष्ठा में निर्विघ्न
विराजमान हुए और निर्विघ्न आप लोग सब निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न करें, इसी भावना के साथ आप सब लोग मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः। सर्व कार्य सिद्धिं भवतु भवतु स्वाहा। सर्व कार्य सिद्धिर् भवतु भवतु स्वाहा। सर्व कार्य सिद्धिर् भवतु भवतु स्वाहा। सर्व कार्य सिद्धिर् भवतु भवतु स्वाहा। मंचासीन सभी साधुओं के लिए नमोस्तु करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी यशस्वी हो और ये सब कार्यक्रम अच्छी तरह से निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। भगवान की कृपा दृष्टि अच्छी तरह से और तीन लोग के नाथ 2400 भगवान और 720 भगवान सब। आज मैं चिंतन कर रही हूँ कि आचार्य श्री शांतिसार महाराज, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, आचार्य श्री वेशभूषण जी महाराज सब स्वर्ग में बहुत खुश हो रहे हैं और आरिका रत्नमती माता जी आदि सब बहुत खुश हो रही हैं। सब स्वर्ग में बैठ करके भव्यात्माओं सब हमें और आपको खूब मंगल आशीर्वाद दे रहे हैं। सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो इसी भावना के साथ पुनः सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। प्रवचन के बाद बेलगांव कर्नाटक से पधारी प्रेमा जी उपाध्याय एवं उनके सदस्यों द्वारा एक सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुति दी गई। जो वीर है तीर्थंकर है उनकी माता वीर माता है, कल्याण करे जो विश्व का कल्याण तो उनका होता। पावन है ये उत्सव तो मन भावन है, ये पंच कल्याणक पावन है ये उत्सव तो मन भावन है। धन्य धन्य जो भक्त पधारे, स्वागत है सबका। महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का। विधाता आए माता के गर्भ में, इंद्रदेव तब आए इस वीर नगरी में। वृष्टि का महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का। प्रभु का जन्म हुआ, घोर अंधेरा देखो सारा पल में दूर हुआ। महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का।
इस शानदार प्रस्तुति के बाद पूज्य चंद्रामती माताजी ने सभा को संबोधित किया। जब लो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। महोत्सव के प्रारंभ में अयोध्या की धरती से आपने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम बेलगांव कर्नाटक से पधारी प्रेमाजी उपाध्याय उनकी पूरी पार्टी के द्वारा महोत्सव जैन धर्म का महोत्सव विश्व धर्म का। इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, अर्थात आज महोत्सव के प्रारंभ में आप सभी लोगों ने एक ऐसा महोत्सव देखा जो अयोध्या की धरती पर अनंत अनंत बार सौधर्म इंद्र ने आकर संपन्न किया, क्योंकि अनंत अनंत तीर्थंकरों के जन्म इस अयोध्या नगरी में होते आए। अनंतों बार जिस पावन रत्न गर्भा भूमि ने भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया, आज युगान युग पूर्व से अयोध्या की धरती पर वही सरयू नदी प्रवाहित होती है। जिस सरयू नदी के जल से अयोध्या वासियों ने अपने प्रभु तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का राज्याभिषेक किया था। महानुभाव, संसार के भ्रमण से अति दूर हैं जो, ऐसे जिनेन्द्र पद में नित ही नमो मैं। संपूर्ण सिद्ध गण को सब साधुओं को वंदू सदा सकल कर्म विनाश हेतु। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की। और जा इसी तरह से नारे लगाएंगे कि ऋषभदेव जय आदिनाथ, गली गली में गूंजे नाद, गली गली में गूंजे नाद, गली गली में गूंजे नाद। इसी क्रम में आगे मंचासीत आचार्यों ने भी आशीर्वचन कहे। बलदेवादेव खजराल श्री आदिनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, बब आत्माओं हमें और आप लोगों के लिए बड़ा ये सौभाग्य का दिन है। भगवान के जन्म कल्याणक की भूमि शाश्वत तीर्थ पर तीर्थ के विकास में अपना तन मन धन यहाँ पर जो लगा रहे हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान जिनेन्द्र के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अपने समय को, अपने धन को, अपने द्रव्य को लगाने वाला व्यक्ति महान पुण्यशाली जीव हुआ करता है। अभी आचार्य महाराज कमरे में थे, माताजी वहाँ पर आई थी और माताजी को आशीर्वाद दिलवाया कार्य के लिए, स्वामी जी के लिए आशीर्वाद किया। उन्होंने कहा है ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, यही भावनाओं के साथ आप सभी के लिए मंगल में आशीर्वाद। प्रवचन श्रृंखला के बाद मुख्य प्रतिष्ठाचार्य एवं सहयोगी प्रतिष्ठाचार्यों का बहुमान किया गया।
होमान उपरांत ध्वजारोहण की मंगल क्रिया संपन्न की गई। धर्म ध्वजा का फहरना हर ओर धार्मिकता का फैल जाना है। पंच कल्याणक जैसे धार्मिक महानुष्ठान में केसरिया ध्वज ही फहराया जाता है और इसी रंग के परिधान धारण करके इंद्र इंद्राणी भगवान की भक्ति पूजा विधान करते हैं। ऐसे शुभ और सुखद संदेशवाही ध्वज को देखकर जनशासन के प्रति सहज ही श्रद्धा उमड़ती है, जिसकी शीतल छाव में सारा समाज अपने आप को निरापद और आनंदमय महसूस करता है।
ध्वजारोहण होते ही हर ओर आनंद ही आनंद छा गया और सभी भक्त खुशी से झूमने लगे। ध्वजारोहण के पश्चात सभी भक्त मंडप के समक्ष पहुंचे, जहां इसका भव्य उद्घाटन कार्य संपन्न किया गया। मंडप उद्घाटन होते ही सभी भक्तों ने आचार्य एवं आरिका संघ के साथ अंदर प्रवेश किया। मंच पर पहुंचते ही सौभाग्यवती महिलाओं ने कलशों में भरे प्रासुक जल से मंडप एवं वेदिका की शुद्धि की। शुद्धि उपरांत मुख्य वेदिका पर मंगल कलश विराजमान किया गया। इसी क्रम में आगे दीप प्रज्वलन भी किया गया।
दीप प्रज्वलन के बाद एक एक कर सभी प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। मध्यकालीन बेला में पंडाल में विधान पूजन का क्रम आरंभ किया गया। जिसमें 1000 से ज्यादा इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति भावना के साथ भगवान को अष्टमंगल द्रव्य समर्पित किए। कैसा विहंगम नजारा था। कार्यक्रम परिसर में जिधर देखो उधर भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे थे।
1008 इंद्र इंद्राणियों ने इस पंच कल्याणक में अपनी सहभागिता दर्ज की। देश के विभिन्न भागों से भक्त इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने आए थे। वो देखने आए थे अपने उस आराध्य भगवान ऋषभदेव की महिमा को, जिन्होंने जीव को जीव से प्रेम करना सिखाया, सारी दुनिया को दया और करुणा का पाठ पढ़ाया। ओम राम रीम रूम रोम रा हस्या उषा नमः सर्वम रक्ष रक्ष रूम पट सम्यक्त्विज्ञान अणुव्रत्रय रत्ने धारे एकासनादि व्रत श्रेष्ठ सुब्रह्मचर्य ये यज्ञ पूर्ति तक कंकण सूत्र बांधो मैं इंद्र हूँ यह विधान जरूर रुचि से ओम बोलो ओम रीम इंद्रोहम स्वाहा। चलिए सब लोग ओम वज्राधिपते आम आम आ एम रोम रा श्रूम रूम चा इंद्राय संबोसट स्वाहा। घंटा ताल मृदंग ध्वनि दुंदुभि वाद्य बजंता जय जय मंगल ध्वनि करो पुष्पांजलि ओम घंटाधिवाद्यम उद्घोषयामि क्षेत्रपाल स्थापनम करोमि पुष्पांजलि कीजिए। ओम रीम अत्रस्त क्षेत्रपाल अत्र आगच्छ आगच्छ संभोसट अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठा अत्र मम सनेतो भवोसट पुष्पांजलि छपेत संपूर्ण गेह में सदा निवास जो करे श्री वासुदेव सर्वदा उपकार वो करे वासुदेव का यहाँ आवाहन मैं करूं ईशान कोण अरे ईशान दिशा ये वाली है वासुदेवा निवसंत मीन श्री वासुदेव अखिलस्य कृतोपकारम रागेव वास्तु विधि कल्पित यज्ञ भाग ईशान कोण दिशि पूजने आदि नोमी ओम रीम वास्तुदेवाय इदम अर्घम पाद्यम गंधम दीपम धूपम चारुपलम वर्णिम स्वस्तिकम यज्ञवागम च यजामहे यजामहे प्रतिक्रियताम प्रतिक्रियताम इति वायु कुमार देव यज्ञ भूमि सो दिए यज्ञ भाग लीजिए संतुष्ट होइए। पहले पुष्पांजलि कीजिए। ओम रीम वायु कुमार देव अत्र आगच्छ आगच्छ संभोसट अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र मम सन्नितो भवोसट पुष्पांजलि छपेत ओम रीम वायु कुमार आए जगदीश्वराणां भवाप्त सेवार्थ कृता प्रदान उत्वार्थितो वायु कुमार देव संवारी नाशो दयाग भूमि ओम रीम वायु कुमार आए जलादी अर्घम समर्पयामि जिन देव के विहार में तुम भक्ति से आते सुरमित उदक की दृष्टि से अति हर्ष बढ़ाते मेघ कुमार देव यज्ञ भूमि सो दिए यज्ञ भाग लीजिए संतुष्ट होइए संपूर्ण हो मैं अग्नि में तुम पूज्य हुए हो निर्वाण की पूजा में अग्रगण्य हुए हो अग्नि कुमार देव यज्ञ भाग लीजिए अग्नि शिखा से यज्ञ भूमि सुख कीजिए ओम आम क्रोमणी में अग्नि कुमार देव अत्र आगच्छ आगच्छ संसठ अत्र तिष्ठ ठठ स्वाहा।
थोड़ा कपूर जलाइए, कपूर जलाइए। ओम ह्रीम अग्नि कुमार देवाय भूमिम ज्वालय 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 अम्हम सम्मम जमटम यक्षपट स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए। ये साठ सहस नाग कुमार देव विचरते, जिन यज्ञ में भक्तों के सर्व विघ्न को हरते। ईशान दिशा में यहाँ जलांजलि करूं, हे नाग देव आपको संतुष्ट मैं करूं। पुष्पांजलि कीजिए। ओम ह्रीम हे नाग कुमार देव अत्र आगच्छ आगच्छ समोषट अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीम क्रोम षष्ठी सहस्र संख्येभ्यो नागेभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीम याग मंडल विधानस्य मंडलस्योपरि कलावा वेष्टनम करोमि। जिन वर समवसरण में सोभे श्री मंडप, उसके समान तीन लोक लक्ष्मी का मंडप। सब पाप ताप खंडे ऐसा है ये मंडप, मैं अर्घ दे ये पूजूं ये सौख्य का मंडप। ओम ह्रीम श्री मंडप मंडपार्चनम करोमिति स्वाहा। चलिए अब पूर्व दिशा में अर्घ चढ़ाएंगे। पहले पुष्पांजलि। पूर्वादि चौद्वार के विधिवत रक्षा हेतु, कुमुद आदि सुर को जजू निज पर मंगल हेतु। तोरणोपरांत परिपुष्पांजलि छिपे तो। बहुधान्य अंकुरों से मंगल सुद्रव्य से, मंगल कलश से शोभे पर स्वस्तिका दिसे। यज्ञ में सुवर्ण दंड हाथ में धरे, पूरव में कुमुद द्वार पाले विघ्न परिहरे। ओम ह्रीम श्री कुमुद प्रत्याहार पूर्व द्वारे तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वा। पुष्पांजलि दमर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम अक्षतान पुष्पम दीपम धूपम चरुम्बलिबलम स्वस्तिकम अस्तमम ताम्बूलम यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतां स्वाहा। बहुधान्य अंकुरों से मंगल सुद्रव्य से, मंगल कलश से शोभे पर स्वस्तिका दिसे। यज्ञ में सुवर्ण दंड हाथ में धरे, उत्तर में पुष्प दंत देव विघ्न परिहरे। ओम ह्रीम पुष्प दंत प्रतिहार उत्तर द्वारे तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा। परिपुष्पांजलि क्षिपेत इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम अक्षतान पुष्पम दीपम धूपम चरुपलिबलम स्वस्तिकम अस्तमम ताम्बूलम यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतामिति स्वाहा। ओ पूजन करो रे तब देवों की मन लाए के, पूजा करो रे पूजन करो भक्ति करो पूजन करो रे तब देवों मन लाए के, पूजन करो रे तब देवों की मन लाए के, पूजन करो रे। आदिनाथ भगवान की चार्य पाठक साधु त्रिभुवन बंद है, जिन धर्म जिन आगम जिन ईश्वर मूर्ति जिन ग्रह बंद है। लघु दीप ताकि मान जग में हम सदा अर्चा करें, मान कर थापे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे। पर पूजन करो भक्ति करो पूजा करो रे श्री नवदेवों के नाम की, पूजन करो रे श्री नवदेवों के नाम की, पूजन करो रे। आइए स्थापना। ओम ह्रीम अर सिद्धाचारोपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय समूह अत्र अवतर अवतर समोषट आवाननम जय हो। ओम ह्रीम अर सिद्धाचारोपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम जय हो। ओम ह्रीम अर सिद्धाचारोपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत सन्निधि करणम जय स्थापनम। ओ मीठे रस से भरो रे या नगरी लागे, या नगरी लागे मन में आदिनाथ की प्रतिभा बड़ी सोनी लागे। मीठे रस से सौटी लागे मन हरी लागे।
भगवान की पूजन कर रहे हैं। एक बार दोनों हाथ सीधे खोल के उठाएंगे, दोनों हाथ सीधे सीधे आकाश की तरफ। होमि तेरे से भरी रे या नगरे लागे, या नगरे लागे, मन में आदि नाद की प्रतिमा घड़ी सोने लागे। और ना भावे मन माकन मिश्री, ना भावे और मलाई, भावे और मंगल पाए को भी उबारे। जिन चेत की जो मन बिना निकाल करे है, बीज स्वरूप नित्य आत्मलाभ करे है। शक्ति बाबत के नाले को जो बजे, कर्म सत्व जीत शिवालय में जा बसे। सब देवताओं की जो आराधना करे, विप्रत राज के भी तो आराधना करे। कर्म सत्व जीत ने शांति सागर महाराज की बगिया के हम सभी पत्र और पुष्प हैं।
ज्ञानमती माता जी आज एक कम 90 वर्ष की उम्र वाली हैं, लेकिन प्रातःकाल से ही एक अलौकिक उत्साह उनके हृदय से उमड़ रहा है और वे बार बार एक एक क्रियाओं के लिए हमें सचेत करती हैं और मंच पर अब पधार करके अपने सपने को साकार देकर 30-24 की 720 रत्न प्रतिमाएं भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्र मोक्षगामी पुत्रों के भगवंतों की प्रतिमाएं और अन्य बहुत सारी प्रतिमाएं, लगभग 1000 से अधिक इन प्रतिमाओं को देख देख करके वे फूली नहीं समाती हैं। और मैं कहती हूँ कि तीर्थ, ये प्रतिमाएं जो अचेतन तीर्थ हैं, ये हमें बिना कहे बिना बोले भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में निमित्त हैं। और साधु संत चेतन तीर्थ हैं, इनके चरणों में वंदन करके हम अपनी आत्मा को पावन पवित्र बनाते हैं। आचार्य श्री विपुल सागर महाराज का संपूर्ण आशीर्वाद लेकर के उनके शिष्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज मंच पर आकर विराजमान होते हैं तो गुरुदेव के आशीष की वर्षा मंच पर होने लगती है। हमारे आचार्य विशद सागर महाराज जी अपने संघ के साथ पधार कर एक मधुर मुस्कान के साथ सबके मन को हरण कर लेते हैं और ज्ञानमती माता जी के मंच पर आते ही जन जन का मन पुलकित हो जाता है। महानुभाव, आपको यही चिंतन करना है और भगवान से प्रार्थना भी करना है कि ज्ञानमती माता जी 89 साल की नहीं बल्कि 9 और 8 को जोड़ दीजिए तो 17 साल के एक युवक की तरह, एक नवोदित युवती की तरह से उनके अंदर ऊर्जा प्रस्फुटित होती रहे। जब जब कोई बोलता है ज्ञानमती माता जी बहुत वृद्ध हो गई, ज्ञानमती माता जी कहती हैं, नहीं, मैं कभी अभी वृद्ध नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, मेरे अंदर युवाओं का जोश है। देखो, दोनों हाथ उठा करके ये गुरु माता आप सबको आशीर्वाद दे रही हैं। इन हाथों के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज के आशीर्वाद की रेज हैं, इन आंखों के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज के वात्सल्य की झलक है, इन चरणों के अंदर आचार्य कुंद कुंद स्वामी के मूलाचार का आचरण है। युग युग तू जीती रहे हम सब के अरमान है, युग युग तू जीती रहे हम सब के अरमान है, ज्ञानमती नाम है ज्ञान की तूफान है, चारित्र परिधान है, ज्ञानमती नाम है ज्ञान की तूफान है, चारित्र परिधान है, ज्ञानमती नाम है ज्ञान की तूफान है, चारित्र परिधान है, ज्ञानमती नाम है ज्ञान की तूफान है, चारित्र परिधान है। सरयू नदिया में जब तक की पानी रहे मेरी माता की जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे, माता ज्ञानमती माता।
दरियों नदिया में जब तक की पानी बहे मेरी माता की जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे माता ज्ञानमती माता ज्ञानमती माता अंबर में जब तक सितारे रहे हम अयोध्या की गुण कीर्ति गाते रहे गाते रहे माता वादि देवा देवा वादि देवा नीले अंबर में जब तक सितारे रहे हम अयोध्या की गुण कीर्ति गाते रहे गाते रहे देवा भवानि देवा देवा भवानि देवा हो सरयू नदियों में पानी रहे जान मती माती री जिन जिंदगानी रहे हे जिंदगानी रहे शब्द ब्रह्मा वर्जनाय कर्णिका मध्ये पुष्पांजलि क्षिपेत परमेष्ठी पांच बान जग में उन सब का ध्यान करूं रुचि से जो शब्द ब्रह्म है परम ब्रह्म उसको भी बंदो भक्ति से चुके हो रही होमिकालिक सब अरिहंतों को इस यंत्र कर्ण का मैं पूजूं पुष्पांजलि से पढ़कर प्रभु को ओम परब्रह्मणे यज्ञ प्रतिज्ञापनाय कर्णिका मध्ये पुष्पांजलि क्षिपेत चलिए अभी स्थापना करेंगे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वरी प्रतिमा इन सोने को में पूजो इनकी अति महिमा ओम ह्रीम श्री पंच परमेश पंच परम गुरु त्रैकालिक तीर्थंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय समूह अत्र अवत्र अवत्र संषट स्वाहवाननम जय अत्र तिष्ठतिष्ठ ठठ स्थापनम जय अत्र मम सन्नीतो भवो वशत सन्निधि करणम जय हो चलिए जल चढ़ाएंगे ओम ह्रीम पंच परम गुरु त्रैकालिक तीर्थंकर चतुर मंगल लोकोत्तम चरण जिन धर्म जिनागम निंच चैतालेभ्या जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा चंदन ओम ह्रीम त्रि पंच परम गुरु त्रैकालिक तीर्थंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जिन धर्म जिनागम जिन चैतालेभ्या मम संसार पाप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा बोलो बोलो आप बोलो ओम ह्रीम श्री पंच परम गुरु त्रैकालिक तीर्थंकर चतुर्मंगल लोकोत्तम शरण जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैतालेभ्यः अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीम श्री सिद्ध परमेश ने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीम श्री सिद्ध परमेश ने संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीम श्री सिद्ध परमेश ने अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीम श्री सिद्ध परमेश ने कामबान निवारणाय पुष्पम निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीम श्री सिद्ध परमेश ने क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीम श्री सिद्ध परमेश ने मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीम श्री सिद्ध परमेश्वरिनः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीम रम श्रीम केवली प्रज्ञप्त धर्म मंगल लोकोत्तम शरणाय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीम रम श्रीम
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक धर्म अत्रवतर संभूषिणावाननम जय हो अत्र तिष्ठति जटा स्थापनम जय हो अत्र मम सन्निधो भवो वसत् सन्निधि करणम स्थापनम जय हो। ओम ह्रीम अर्रम श्री जगत्त्वय वर्ति जिन बिंब समूहाय मम अनर्घ्य पद प्राप्तये दिव्य अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य पुष्पांजलिः। पुनः स्थापना। ओम ह्रीम रम श्रीम जगत्त्रयवर्ति जिन चैत्याले समूह अत्रावतरावतर संभूषिणावानम जय हो अत्र तिष्ठति जटा स्थापनम जय हो अत्र मम सन्निधो भवो वसत् सन्निधि करणम स्थापनम जय हो। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्यायाणम नमो लोहे सब साहुणम चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पौज्जामि अरिहंते शरणं पौज्जामि सिद्धे शरणं पौज्जामि साहु शरणं पौज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम रम शांतिम 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरसिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु भूत वर्तमान भावी कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकर अरहन मंगल लोकोत्तम चरण सिद्ध मंगल लोकोत्तम शरण साधु मंगल लोकोत्तम शरण केवली प्रज्ञप्त धर्म मंगल लोकोत्तम शरण जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालेभ्यो महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पांच भरत ढाई जीव में पांच भरत हैं और पांच ऐरावत हैं। जम्बू द्वीप में एक भरत है एक ऐरावत है। ऐसे ढाकी खंड में दो भरत दो ऐरावत और पुष्करार द्वीप में दो भरत दो ऐरावत। ये तेरह द्वीप की रचना हसनापुर में जम्बू द्वीप में बनी हुई है। वहाँ पर सब ईश्वर दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये समझो कि पांच भरत पांच ऐरावत में हमेशा चतुर्थ काल में हमेशा हमेशा चौबीस चौबीस ही तीर्थंकर होते हैं। अतीत काल में हो चुके वर्तमान में हो चुके आगे होएंगे। ऐसे तीस चौबीस भगवान यहाँ विराजमान हैं। उन सबकी पंचकनारक प्रतिष्ठा संपन्न हो रही है। आप लोग सब अपने हाथों से उन्हें इन रत्नों की प्रतिमाओं को साक्षात भगवान बनाएंगे। ये साक्षात भगवान बन जाएंगे मंत्रों के संस्कार से। ये संस्कार की महिमा संस्कारों से पाषाण भी भगवान बनेंगे। और भगवान का ऋषभदेव का परिवार एकत्रित है। 101 पुत्र भरत आदि वो यहाँ विराजमान है। वो भी सिद्ध परवेशी सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं। उनकी भी यहाँ पर प्रतिष्ठा हो रही है। और आगे भरत खड़े हुए हैं सामने उनका मंदिर बन रहा है। वो 31 फुट के उनकी भी प्रतिष्ठा हो रही है। ये सब भगवान तीन लोग के नाथ साक्षात तीन लोग के नाथ बनेंगे सिद्ध भगवान बनेंगे। तो भव्यात्माओं हम और आप ये भावना भाएं कि इसी प्रकार से पंचकनानक प्रतिष्ठा के माध्यम से हम और आप जैसे भगवंतों को संस्कारित कर रहे हैं वैसी आत्मा को संस्कारित करके और एक दिन परमात्मा बना ले इस भावना को भाते रहो। यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद सबके लिए मंगल आशीर्वाद सबके लिए। ओम ह्रीम रोहिणी देवी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ अत्र मम सन्निता वसत् पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। ओम ह्रीम रोहिणी देवेदम जलम गंधम अक्षतान पुष्पम चरुम दीपम धूपम फलम स्वस्तिकमित्यभागं जयामे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतां स्वाहा। ओम ह्रीम प्रज्ञप्ति देवी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ
अत्र मम सन्निहिता भवभव षट् पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। ॐ ह्रीं प्रज्ञप्ति देवेदं जलं गन्धम् अक्षतान् पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलं स्वस्तिकमध्यभागं जयजामे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतां स्वाहा। अत्र मम सन्निहिता भवभव षट् पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। ॐ ह्रीं वज्रशङ्कला देवेदं जलं गन्धम् अक्षतान् पुष्पं दीपं धूपं चरुं बलिमलं स्वस्तिकमध्यभागं जयजामहे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतां स्वाहा। ॐ ह्रीं वज्राङ्कुशा देवी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ टट अत्र मम सन्निहिता भवभव षट् पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। ॐ ह्रीं वज्राङ्कुशा देवे इदं जलं गन्धम् अक्षतान् पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलं स्वस्तिकमध्यभागं जयजामहे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतां स्वाहा। ॐ ह्रीं काली देवे इदं जलं गन्धम् अक्षतान् पुष्पं दीपं धूपं चरुं बलिमलं स्वस्तिकमध्यभागं जयजामहे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतां स्वाहा। ॐ ह्रीं महाकाली देवी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ टट अत्र मम सन्निहिता भवभव षट् पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। ॐ ह्रीं महाकाली देवी इदं जलं गन्धम् अक्षतान् पुष्पं दीपं धूपं चरुं बलिमलं स्वस्तिकमध्यभागं जयजामहे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतां स्वाहा। ॐ ह्रीं मानसी देवी इदं जलं गन्धम् अक्षतान् पुष्पं दीपं धूपं चरुं बलिमलं स्वस्तिकमध्यभागं जयजामहे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतां इति स्वाहा। ॐ ह्रीं महामानसी देवी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठे अत्र मम सन्निता भवभव षट् पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। ॐ ह्रीं महामानसी देवे इदं जलं गन्धम् अक्षतान् पुष्पं दीपं धूपं चरुं बलिमलं स्वस्तिकं वस्त्रं ताम्बूलविद्यभागं जयामहे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतामिति स्वाहा। पूर्णार्घ्य रोहिण्यादि विद्यादेवता इदं अर्घ्यं पाद्यं गन्धं दीपं दीपं धूपं चरुं फलं बलिं स्वस्तिकम् अक्षतं यज्ञभागं जयामहे प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतामिति अर्घ्यं समर्पयामि। पुष्पाञ्जलि करेंगे मंडल पर। ॐ ह्रीं विमनुताजि नमाता अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ टटे मम सन्निहिता भवभव षट् पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। ॐ ह्रीं विमनुताजि नमात्रे जलादि अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं शिवादेवी जिन्माता अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ टटे अत्र मम सन्निहिता भवभव षट् पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। ॐ ह्रीं सुरेन्द्राय इदं अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं नागेन्द्र अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ टटे अत्र मम सन्नितो भवभव षट् सन्निधि गणं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। मे देव श्री अरिहंत पूजो शीत पूजो चावसो आचार्य श्री उपजाय पूजो साध पूजो भावसो अरिहंत भाषित वेन पूजो द्वादशागर चेगनि पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हित सब आसांगनि सर्वांग भाषित धर्म दशिवि दयामयी पूजो सदा जजु भावना सोडस रतन त्रय जा बिना शिव नहीं कदा त्रैलोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत चैत्याले जजो पंचवीर नंदी स्वर जलाले खचर सुर पूजित भजो कहलाश श्री सम्मेल श्री गिरनार गिर पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी बीच श्री जिन राज पूजो बीच क्षेत्र विदेंगे नामावली जल गंगा चत पुष्प चरो दीप धूप फल ला सर्व पद पद पूज हो बहुविधि भक्ति बड़ा। ओम ह्रीं समुच्चय महार्घं निर्ममामिति चंदन तंडुल पुष्प कई सरसुदीप सुतो विभजार के तबल मन बलिदान रवाकुल कुंजन ग्रही गुरुदेव महमेजे। ओम रीम ओम रीम आचार्य विपुल सागर जी महाराज समस्त आचार संघ के चरणों में
अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। तिजी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टरंग का थाली सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञान मती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम भारत गौरव चारी चंद्र का गणनी प्रमुख हरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी प्रज्ञा श्रमणी हरिका श्री चंद्रमती माता जी सहित समस्त संघ चरणों में अर्घम निरुपामिति विसर्जन शांति नाथ मुख ससिउ नहारि शील गुणा व्रसिंहम धारे लखन एक सौ आठ विराजे निरकट नयन कमल दल लाजे पंचम चक्रवर्ती पद धारि सोलम की संग कर सुख इंद्र नरेंद्र कोजिनि नारायण नमो सांति हित सांग वेदाय दिव्य पिटप पहु वन की वर्षा दुंद व्यासन वाणी सन सन छत्र छबर भा मंडल भारी ये तो प्रतिहार मन हारे परम शांति दीजे हम सबको बड़े दिल फुन चार गंग को हाँ जोड़ ले पूजे जिन्हें मुकुटार क्रीड लागे इंद्रादि देव और पूज पदाप जाके सो शांति नाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए सबके लिए करो शांति सदानो संपूजको को प्रतक वाले को कहती इनको कितना है को राजा प्रजा राजस्व लिंग कीजिए सभी हैं जिन शांति को दे। विधान पूजन संपन्न होने के बाद संध्याकालीन बेला में आरती का भव्य आयोजन हुआ। दीपक लेके आरती करो बजी चम 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 बजी घुंघरू बजी घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बजी चम 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 बजी चम 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 बजे चम 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 बजे चम 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 हाथों में दीपक लेकर के करें आरती हम बजी चम 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 उपस्थित भक्तों ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभु की आरती उतारी। साचा तेरा है दरबार बाबा हो बाबा तेरी हो नहीं जय जयकार बाबा हो बाबा तेरी हो नहीं जय जयकार मेरे बाबा हो बाबा तेरी हो नहीं जय जयकार मेरे बाबा हो बाबा ऐसे नहीं एक बार दोनों हाथ सीधे खोल लीजिए। ओ तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा साचा तेरा है दरबार बाबा हो बाबा ओ तारीफ तेरी निकली है दिल से आई है लब पे बन के सवाली अयोध्या वाले आदि प्रभु जी आया हूँ तेरे दर पे सवाली अरे दर पे सवाली आया हूँ दर पे सवाली बाबा अयोध्या वाले आदि प्रभु जी आया है तेरे दर पे सवार जय हो पूरे पंच परमेश्वर भगवान की। अरे ई है विधि मंगल आरती कीजे ई है विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे ओ सचा तेरा है दरबार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार मेरे बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार मेरे बाबा हो बाबा। आरती के उपरांत बारी आई तीर्थंकर माता की गोद भराई की रस्म की। इस रस्म को भक्ति के साथ विशेष रूप से संपन्न किया गया। इस पावन रस्म के लिए माता पिता को भक्ति के साथ मंच पर लाया गया। दर्शकों इस महापंच कल्याणक में तीर्थंकर के माता पिता बनने का महान सौभाग्य श्रीमती अनिता जैन धर्मपत्नी अनिल जैन संघपति परिवार प्रीत विहार दिल्ली को प्राप्त हुआ था। उनके जीवन में यह यादगार बड़ा अवसर था जो उन्होंने इतने महान पद को प्राप्त किया। अयोध्या के हो राजा ना बिराए राजा महाराजा
राजा अयोध्या नगरी के हो राजा नाभिराज महाराजा राजा आही नाभी राजा। मंचासीत होने के बाद सभी इंद्र इंद्राणी एवं विशेष भक्तों ने उनकी गोद भरी। और देखो कैसे बैठी सजी धजी, बोलो बैठी सजी धजी, ओ किस मंदे मंदे मुस्काए रहे, माता को काजल लगा जाओ, कोई आंखों में काजल लगा जाओ, कोई आंखों में काजल लगा जाओ, कोई माता को बिंदी लगा जाओ, नजर ना लग जाए, माता को नजर ना लग जाए। देखो माता जी कैसे मुस्काए रही, 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 देखो नाभी पिता कैसे मुस्का रहे, देखो नाभी पिता कैसे मुस्का रहे, ओ माता को नजर न लग जाए, माता को नजर न लग जाए, माता को नजर न लग जाए। यहाँ सौधर्म इंद्र हेलो माता पिता Hello. की गोद भराई की रस्म कर रहे हैं और आप सभी लोग लालायित हैं। वो माता तीर्थंकर भगवान को जो जन्म देने वाली है, वो देव माता, वो प्रथम माता महारानी मरुदेवी की गोद भराई करने के लिए आप भी लालायत हैं। मैं चाहता हूं। गोद भराई के बाद वो अवसर आया जिसका इंतजार भक्तों को हर पंच कल्याणक में रहता है, और ये अवसर था सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, जिसके अंतर्गत पात्रों ने सौधर्म इंद्र की सभा, कुबेर इंद्र द्वारा नगरी की रचना और अष्ट कुमारियों द्वारा माता की सेवा और 16 स्वप्न आदि दृश्यों का मुख्य रूप से मंचन किया। इस सुधर्म सभा का शुभारंभ मंगल भक्ति नृत्य के माध्यम से किया गया। उलझन को सुलझा दे रे सखी, मुझे तो बता दे मेरी उलझन को सुलझा दे, ये सारे देश के नर नारी क्यों यहाँ पे आए हैं, अरे ये सारे देश के नर नारी क्यों यहाँ पे आए हैं, क्यों धूम मची नगरी में, क्या होगा अयोध्यापुरी में, ये सारे देश के नर नारी क्यों यहाँ पे आए हैं, अरे ये सारे देश के नर नारी क्यों यहाँ पे आए हैं, ये तीर्थ अयोध्या हमारा हमको प्राणों से प्यारा, इस तीर्थ की शाश्वत सत्ता ये सब जानने आए हैं, अरे इस तीर्थ की शाश्वत सत्ता ये सब जानने आए हैं, अब धूम मची है यहाँ पे सर्वतोभद्र महल में, हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा उत्सव करने आए हैं, यहाँ हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा उत्सव करने आए हैं, ये तीर्थ अयोध्या हमारा। भारत की धरती तो सदा से तीर्थ कही जाती है, ऋषि मुनियों के जन्म से इसकी कीर्ति लहराती है, भारत की धरती तो सदा से तीर्थ कही जाती है, ऋषि मुनियों के जन्म से इसकी कीर्ति लहराती है, फिर क्या विशेष है यहाँ पे मुझको रे सखी बता दे, ये सारे देश के नर नारी क्यों यहाँ पे आए हैं, अरे ये सारे देश के नर नारी क्यों यहाँ पे आए हैं, क्यों धूम मची नगरी में, क्या होगा अयोध्यापुरी में, ये सारे देश के नर नारी क्यों यहाँ पे आए हैं, अरे ये सारे देश के
के नर नारी क्यों यहाँ पे आए हैं? रे सखी मुझे तो बता दे। शिखर को हम पहचाने, सुनो सखी जिन शासन में दो तीर्थ शाश्वत माने, तीर्थ अयोध्या अर समेत शिखर को हम पहचाने। प्रभु जन्म यहाँ लेते हैं फिर मोक्ष धाम पाते हैं, इसके दर्शन करने सारे नर नारी आए हैं। सुनो इसके दर्शन करने सारे नर नारी आए हैं। संघपति श्री अनिल अनीता शप प्रभु के ये माता पिता बनेंगे, ये स्वामी जी का साथ सदा से निभाते आए हैं। अरे ये स्वामी जी का साथ सदा से निभाते आए हैं। यह तीर्थ अयोध्या सौधर्म इंद्र इंद्राणी श्री अध्यात्म पर पिताजी है, राजधानी लखनऊ से आए यह प्यारी जोड़ी है। सौधर्म इंद्र इंद्राणी श्री अध्यात्म हर पिताजी है, राजधानी लखनऊ से आए यह प्यारी जोड़ी है। कैलाश के पुत्र कहाए जम्मू के पुत्र बड़े, ये पंच कल्याणक का आनंद मनाने आए हैं। अरे ये सम्यक पुत्र के संग आनंद मनाने आए हैं। यह तीर्थ अयोध्या हमारा जयकारा, उस जयकारा में हम भी शामिल होने आए हैं। अरे उस जयकारा में हम भी शामिल होने आए हैं। ये तीर्थ अयोध्या हमारा हमको प्राणों से प्यारा, इस तीर्थ की शाश्वत सत्ता हम बतलाने आए हैं। अरे हम पंच कल्याण प्रतिष्ठा उत्सव करने आए हैं। सुनो भाइयों बहनों चाचा ताऊ चाची ताई, जो तुम भी सुनो ध्यान से ज्ञानमती माँ आई। सुनो भाइयों बहनों चाचा ताऊ चाची ताई, बच्चों तुम भी सुनो ध्यान से ज्ञानमती माँ आई। इनकी प्रेरणा मिली है एक ज्योति नई जली है, चंदनामती व रविंद्र कीर्ति स्वामी जी आए हैं। अरे चंदनामती व रविंद्र कीर्ति स्वामी जी आए हैं। ये तीर्थ अयोध्या हमारा हमको प्राणों से प्यारा, इस तीर्थ की शाश्वत सत्ता हम बतलाने आए हैं। अरे हम पंच कल्याण प्रतिष्ठा उत्सव करने आए हैं। इस संसारी अनाथ वास को जिन्हें संगत मिटाया, इस अनाथ वंदन संसारी अनाथ वास को जिन्हें संगत मिटाया, सम्यक सहित सोलह कारण को जीवन में है ध्याया, इस जीवन में है ध्याया अपने समान सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा। करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। हम भूल रहे
हैं शिव प्रतिनिधि आके हमें बताओ, हम भूल रहे हैं शिव प्रतिनिधि आकर हमें बताओ, ये मोक्ष प्राप्त करने वाला सत ज्ञान नाथ दे जाओ, ये मोक्ष प्राप्त करने वाला सत ज्ञान नाथ दे जाओ, सत ज्ञान नाथ दे जाओ, हम भक्त तुम्हारी शरण में आए हरो अज्ञान हमारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा, श्री माजिनेंद्र के पंच कल्याण कागी उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा, साधन होशियार स्वर्गाधिपति स्वागत मंद सचिन राणी के साथ सुधर्मा सभा में पधार रहे हैं। छोटा तालिया इंद्रराज, पिछले भाव में हमने क्या कर्म किए थे कि इस भाव में हमें देव पर्याय प्राप्त हुई है? हे देव, अवश्य हमने पिछले भाव में सम्यक दर्शन को धारण किया था, तभी हम स्वर्ग में आकर देव हुए हैं। धन्यवाद। हे इंद्रराज, स्वर्ग में हम सब के लिए सर्वोत्तम कर्तव्य क्या है? हे शची, यहाँ सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग है, इसीलिए तो भक्ति करते रहते हैं। चलो दरबार भक्ति कर लो दीदार, इंद्र सभा में आकर के मन का मयूर नाचे, इंद्र सभा में आकर के मन का मयूर नाचे, खुले भंडार भक्ति चलो दरबार। सभा में ये ज्ञात होने के बाद कि तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, सौधर्म इंद्र कुबेर इंद्र को आज्ञा देते हैं कि वे अयोध्या जाकर एक स्वर्णिम नगरी की रचना करें। अपने स्वामी की आज्ञा स्वीकार कर कुबेर इंद्र शिल्पकारों से सुंदर नगरी की रचना करवाते हैं। आप जो है तीर्थंकरों की और आरका माता की और मुनियों की भक्ति किया करते हैं। आपने ठीक समझा, आपने प्रश्न तो पूछा ही नहीं, लेकिन अवधि ज्ञान से हमने समझ लिया आपके मन में क्या जिज्ञासा थी। आप सोच रहे थे कि भक्ति और वैराग्य क्या दो मार्ग हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि यहाँ स्वर्ग में तो एक ही मार्ग है, यहाँ बस यहाँ वैराग्य नहीं, यहाँ तो भक्ति ही भक्ति है, इसलिए जितना नाच पाओ नाचो। इंद्र नाचे प्रभु द्वारे छुमे छन न न न, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे छुमे छन न न न, 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 इंद्र नाचे प्रभु द्वारे छुमे छन न न न। हे इंद्रराज, भक्ति किनकी करनी चाहिए? सच्चे देव शास्त्र और गुरु की सच्ची भक्ति करने से ही असीम पुण्य का बंध होता है। अरे पावन वीणा आई रे ओ नाच मन का मयूर, पावन वीणा आई रे नाच मन का मयूर, पावन वीणा नाच मन का मयूर, मन का मयूर नाच मन का मयूर, तुझे उठी सहरा रे ओ नाच मन का मयूर, चश्मा लगा के आना इंद्राणी साथ लाना, चश्मा लगा के आना इंद्राणी साथ लाना, भक्तों को दर्श देने आएंगे बामल लाना, इंद्राणी आना इंद्राणी साथ लाना। अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, जय हो।
आप तो बोले ऋषभ भगवान की। ये भक्ति का अतिरेक है। चलिए सानत कुमार इंद्र देखो कुछ पूछ रहे हैं। बोलिए मुनियों की और इन माताजियों की और भक्ति करने मध्य लोक जाते हैं क्या? मध्य लोक में जाना ही पड़ता है, वहां भगवान के जन्म गर्भ आदि कल्याणक होते हैं। लेकिन आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, हम तो चवर लेके घूमते, आपने अपने हाथों को ही चवर बना लिया। हे इंद्रराज, इस प्रसन्नता के वातावरण में अचानक आपको क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हो गए? हे मृग नैनी, मैं चिंतित नहीं हूं, अभी तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही सुंदर विचार आया है। हे इंद्रराज, वह बात मुझे भी बताने की कृपा करें। धनपते, आप इतने पुलकित हो रहे हैं, मुझे भी बतलाइए क्या शुभ समाचार मिला है। अरे, जब कुबेर के भंडार से रत्नों को लुटाने की आवश्यकता होती है तभी तो स्वधर्म मुझे याद करते हैं। अच्छा, समझ गई, मैं भी समझ गई। तब तो अवश्य ही कहीं ना कहीं तीर्थंकर प्रभु अवतरित होने वाले हैं। हाँ देवी, तुमने सही समझा, तो चलो चले स्वधर्म के पास चले, उन्हीं के मुख से सुने, अब विलंब करना उचित नहीं है। कैसे हर साल रे कल सौ मेला है भर भर के रे तेरी छटारी राली काटेंगे जंजी तेरी छटारी राली कर्मों के काटेंगे जंजी। हे इंद्राज, कुबेर का प्रणाम स्वीकार करें। आओ आओ धनपति कुबेर, आज बहुत ही हर्ष का विषय है, मैंने तुम्हें बहुत ही उत्तम कार्य के लिए याद किया है। आओ आओ कुबेर, सुनो सुनो, मध्य लोक में सर्वप्रथम द्वीप का नाम जम्बूद्वीप है। उस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में अयोध्या नाम की नगरी है। वहां पर आज से 15 माह बाद तीर्थंकर भगवान जन्म लेने वाले हैं। जय हो तीर्थंकर भगवान की जय हो। इंद्रराज स्वामी, आपने बहुत ही शुभ समाचार। वह तीनों लोकों में वंदनीय होगा, उस महल का बहुत ही सुंदर नाम है सर्वतोभद्र। वहीं पर महाराज नाभिराय की महारानी मरुदेवी निवास कर रही हैं। स्वामी, मैं समझ गया, आपके कोष में कोई कमी तो है नहीं। अरे, तीनों लोक की अटूट संपत्ति भंडार में भरी है। मैं इस अयोध्या नगरी को ऐसे सुंदर बनाऊंगा कि मध्य लोक में बस एक ही सर्वोत्तम दिखेगा। इंद्रराज, आप भी वहां पहुंचे तो आपका मन भी वहां इतना रमेगा कि वहां से आने का भाव नहीं करेगा। नगरी की रचना पार देखो, खुशियों की छाई बाहर देखो। अरे नाभिराय के राज महल में खुशियां से मट कर आए देखो, ओ देखो देखो नजारा देखो, देखो 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 नजारा देखो, देखो 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 रचना ये देखो, नगरी की रचना अपार देखो, खुशियां की छाई बहार देखो। नाभिराय के राज महल में खुशियां से मट कर ओ। आइए कुबेर महाराज, देखिए मैंने एक महल बनाया, उसके बाद एक सर्वतोभद्र महल बनाया, सिंहासन में महाराज महारानी को बैठने के लिए बनाया। महाराज, भगवान के खेलने के लिए ये छोटी छोटी बगीचा, ये पेड़ सारी रचना कर दी। महाराज, इसमें हीरे मोती माणिक पन्ना सब कुछ लगा दिया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया तुमने बनाया है। आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। ओ सब जगत के नाश करन का साधन होगा। आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर
स्वर्णिम नगरी की रचना के पश्चात अष्टकुमारियां माता को भक्ति के साथ लेकर आती हैं और सेवा करती हैं। चलो माता मरुदेवी, दीनी चलो माता मरुदेवी, चलो माता मरुदेवी, ओ आई हूँ सेवा करने, आई हूँ सेवा करने, स्वीकार करो माँ त्रिलोक की हो माँ, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, आई हो सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी। तेरी सेवा के लिए जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, ओ दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन आपका पाया, उद्धार करो माँ परलोक की माता, हम दूर करो माँ, हम दुख दूर करो माँ, मरुदेवी, माँ मरुदेवी, माँ मरुदेवी, माँ मरुदेवी। अजब मेरा निखने आई, पहलों में खुशी जाई रे, श्वेत रूप है बाला। पहले सपन में महामाता ऐरावतधारी देखती है, ओ दूजा सपना प्रसव जो देखा ऊंचे कंधों बाला, रूप निरख अति मन हर साए अंगुष्ट चिन्ह है बाला, माता खेरी ओ तीजा सपना सिंह जो देगा जिसका हस मुख चेहरा, ओ मात है ऐसी नीत में सो, ओ चौथा सपना कलसियोक्त गज स्नान करे लक्ष्मी का, कमलासन पर लक्ष्मी विराजे रूप अनोखा देखा, अद्भुत लगता था उनका नयन दिखेरी दिखेरी बाने सोना सपन, अजब निराली घने आए, ओ पांचवा सपना पुष्पों थे गूंथी दो मालाएं देती, हे हे चंप चमेली गुलाब से युत छवि अनोखी देखे, सुगंध सी जैसे महका चमन, ओ छठवा सपन चंद्रमा देखा ससिनी जातम हारी, ऐसे उठती हैं जैसे वो सोई ना हो, माता जागती देवियां बड़ी प्रसन्न हुई, पंच परमेश्वरी का स्मरण करती हैं, तभी प्रथम देवी माता वे स्वप्न हमें भी बताइए। हे देवी
अभी नहीं, इतनी आतुर मत होइए, अभी चली महाराज के पास चलेंगे, वहीं हाँ, पर हाँ, माता सुन लेना। हाँ हाँ माता, हमें क्यों बताएंगी, वो तो अपने स्वामी को बताएंगी। देवियाँ माता को उठा रही हैं, माता को नवन कराएंगी, श्रृंगार कराएंगी, बहुत सुंदर छोटा छोटा सा दृश्य। ओ माता धीरे धीरे, ओ माता होली होली चलो भरो पलनो पड़ो हे पवना, ओ माता धीरे धीरे। ओम शांति। कहते हैं देविया, क्या कहती हैं, जल भर भर लाओ बस आज भैया। ओ चैन भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बोला जल भर भर लाओ, अपनी सखियों को बोला आज माता का नमन कराना है। ओ आज माता का नमन कराना है। ओ कोई मंगल गीत सुनाओ, सितों का संदेश सुनाओ, आज माता का नमन कराना है। ओ अष्टकुमारी का पात की सेवा में हाथों मिला ही है वस्तु अपार, माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। अष्टकुमारी का पात की सेवा में हाथों मिला ही है वस्तु अपार। ओ श्री देवी हाथों में अपने क्या लेके आई हैं, कंगन। अरे कंगन ले आई, कंगन पहना के माता जी को मन में मुस्काई, हाथों का श्रृंगार श्रृंगार जोरदार तालियां। मात की सेवा में हाथों में लाई है बच्चों का। बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी कुशलता की कामना करती हूँ। आज कोई खास बात है क्या, आज सुबह सुबह राज दरबार में आपका पधारना कैसे हुआ है? हे स्वामी, बात ही कुछ ऐसी है, आज मैंने 16 सपने देखे हैं। कहिए प्राण प्रिय, आप क्या कहना चाहती हैं आज रात? हाँ। हे स्वामी, मैंने एक या दो नहीं, पूरे 16 सपने देखे हैं। सपने तो रोज सभी देखते हैं, ऐसी क्या खास बात है देवी? हे स्वामी, वे कुछ विशेष ही सपने हैं। आश्चर्य से 16 सपने, जरा मैं भी तो सुनूं उन 16 सपनों की कहानी। हे स्वामी, हाथ में ले लो। पहले सपने में मैंने ऐरावत हाथी देखा है जो बहुत गर्जना कर रहा था। देवी, तुमने जो ऐरावत हाथी देखा है उसका फल यह है कि तुम त्रिभुवन के गुरु ऐसे तीर्थंकर पुत्र को जन्म दोगी। दूसरे स्वप्न में स्वामी मैंने उत्तम बैल देखा है जो कि अपने पद प्रहार से पृथ्वी को कंपा रहा था। स्वप्न में बैल को देखने से तुम्हारा पुत्र समस्त विश्व में श्रेष्ठ होगा। हे स्वामी, तीसरे स्वप्न में मैंने उत्तम सिंह देखा है जो कि पीली पीली आंखों वाला था। देवी, स्वप्न में सिंह के देखने से तुम्हारा पुत्र अनंत बल से सहित होगा। जय हो जय हो जय हो। हे स्वामी, मैंने चौथे स्वप्न में लक्ष्मी को देखा है जो कमल के आसन पर बैठी हुई है और देवों के हाथी स्वर्ण कलशों से उसका अभिषेक कर रहे हैं। हे देवी, अभिषेक को प्राप्त होती हुई लक्ष्मी को देखने से वह पुत्र सुमेरु पर्वत के मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक को प्राप्त होगा। जय हो जय हो जय हो। तो दर्शकों, कुछ इस तरह इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में प्रथम कल्याणक यानी गर्भ कल्याणक मनाया गया। उम्मीद है कि आप इन दृश्यों को देख भाव विभोर जरूर हुए होंगे। कल इसी समय फिर रहे तैयार जन्म कल्याणक की झलकियों को देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ पारस चैनल पर। इसी के साथ दीजिए आज्ञा, जय जिनेंद्र।